अमेठी के संग्रामपुर विकास खंड के जरोटा गांव पंचायत में एक गरीब परिवार का आशियाना नहीं मिल रहा है। बताते चले कि अमेठी में सांसद स्मृति ईरानी के संसदीय क्षेत्र में गरीब को छप्पर के नीचे रहने को मजबूर होना पड़ रहा है। पीड़ित परिवार ने आवास के लिए ब्लॉक से लेकर विधायक अमेठी तक के कार्यालय के चक्कर लगा दिए हैं, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। मामला संग्रामपुर थाना क्षेत्र के जरोटा ग्राम पंचायत के बहेलेरियापुर गांव का है, जहां पर पीड़ित परिवार को प्रधानमंत्री आवास के तहत आवास मुहैया नहीं हो रहा है। ऐसे में बड़ा सवाल है कि प्रधानमंत्री मोदी की महत्वाकांक्षी योजना अमेठी में कारगर क्यों नहीं साबित हो रही है। आपका अनीता कहां निवासी है? राजापुरा मेरुआ, राजापुर बहेलियापुर। ये बताइए क्या है, क्या दिक्कत है आपको? दिक्कत भैया हमारे पास घर नहीं है, हमारा घर बरसात में गिर गया है और रहने का हमको एक जगह नहीं है। क्या हुआ? कॉलोनी प्रधान से मांगी थी? प्रधान से कॉलोनी को बहुत बार कही थी मगर वो प्रधान जो है सुन नहीं रहा है। आपका नाम है उसमें लिस्ट में? बिल्कुल है। तब भी आपको कॉलोनी मिली? नहीं। तो आप सब कैसे रहते हैं? अगर ये घर पूरा जर्जर अवस्था में कभी भी गिर सकता है तो बड़ा हादसा हो सकता है, तो कहाँ सोते हैं आप सब? भैया का करी कतो हिया कतो वो घरे कतो के हो घरे जाए जा रात बिरात पहुँच जाते हैं लड़के बच्चा लेके का करी। इसकी कहीं पे आपने मांग की किसी अधिकारी को जो है इसके लिए लिखा पत्र? हाँ लिखा तो रहन एक बार जो ना कॉलोनी के बारे फार्म भरा जात रहन उसमें डावा रहन है, फिर उसके बाद जो ना प्रधान आ रहे ने लिया के सब कहाँ सबसे लग गया लिखाए पढ़ाई के वो नहीं आए। कहाँ निवासी हैं? बहेलियापुर के सर। ये बताइए कौन सा ब्लॉक है आपका? संग्रामपुर। क्या दिक्कत है आपको? क्या दिक्कत यही है कि हमारा घर आधा गिर गया, आधा है, अभी कभी भी गिर सकता है और कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है इसमें, तो हम क्या करेंगे इसमें? तो क्या इसका आप कहीं शिकायत की इसका जो घर गिरा, लेखपाल या प्रधान या किसी? प्रधान से तो हमने कहा कई बार कि प्रधान जी हमारा घर गिर रहा है, इसकी कोई व्यवस्था कर दीजिए, नहीं हम लोग कहाँ रहेंगे। बोले हो जाएगा हो जाएगा। घर आपका जर्जर अवस्था में है, रात बिरात कहाँ सोते हैं? बगल वाले पड़ोस के यहाँ सोते हैं। अच्छा। कभी दादा के यहाँ सो जाते हैं, कभी चाचा के यहाँ सो जाते हैं। मतलब आप खुद घर में नहीं रह पाते? नहीं रह पाते हैं, कभी इसमें सांप निकलता है, कभी बिच्छू निकलता है, क्या करें? कॉलोनी के लिए मांग की थी कहीं? हाँ प्रधान से भी कहा था, ब्लॉक में भी एक बार दो बार गए थे, कहे थे विधायक से भी कहा गया था, पापा ने कहा था। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर बेल आइकन को दबाए।